नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, जैसा आपको पता है एनटीपीसी के रेलवे ग्रुप डी के और हरियाणा ग्रुप डी के फार्म थे जो ऑनलाइन लगभग चल रहे हैं और कुछ बंद हो चुके हैं। दोस्तों, इसके अंदर महत्वपूर्ण जो साइंस के क्वेश्चन बनते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम किसी सीरीज जो शुरू करने वाले हैं। आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ और कुछ कमी लगे तो वो भी ज़रूर बताएँ। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। पहला जो क्वेश्चन हमारा, पोटेशियम का कार्य क्या है। जो पोटेशियम है ये किस कार्य में यू प्रयोग किया जाता है। ये हृदय की धड़कन, नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। शरीर के अंदर ये इसका मुख्य काम होता है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। दोस्तों, जो ये प्रोड्यूस करता है लैक्टिक अम्ल होता है। शरीर के अंदर थकावट या फिर किसी भाग में दर्द शुरू हो जाना लैक्टिक अम्ल के कारण ही होता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया क्या बनाता है। वो बनाता है दोस्तों इजरा इथाइल अल्कोहल। जैसे दोस्तों सेकंड की क्वेश्चन की बात की जाए, दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। दोस्तों, बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, H2O, यानी पानी का निर्माण होता है। जैसे क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट पे, एनलाइडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा किया जाता है। नेफ्रिडिया होता है दोस्तों ये, और पीएच मान से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और लगभग मूत्र के बारे में ही मैंने क्वेश्चन देखा है, अन्य क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसका पीएच मान याद रखिए आप, 6 होता है। वीडियो के माध्यम से एक बार नज़र से निकल जाएगा तो आपको याद रहेगा, आप भूलो नहीं गए। जैसे दोस्तों RRB भोपाल 1992 के साइंस से क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसे पहला जो क्वेश्चन है इसका सेकेंड पार्ट का, एनालिडा ग्रुप में मुख्य कौन कौन से जंतु आते हैं। दोस्तों, जोंक और केचुआ, इनमें कौन सा भी ऑप्शन के अंदर दिया मिल सकता है आपको, दोनों याद रखिए आप। अर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। जैसे दोस्तों तेलचट्टा है, मच्छर है, खटमल है, मक्खी है, ये सभी प्राणी हैं अर्थोपोडा ग्रुप के अंदर आते हैं। जैसे दोस्तों मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। गोंगा और सीपी, जैसे समुद्री पानी में या फिर इस टाइप की जो जगह हैं वहाँ पर लगभग ये चीज़ें पाई जाती हैं। इकाइनोडोमेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं। तारा मछली और ब्रिटेन स्टार, ये दोनों मछली ही हैं जो समुद्र के अंदर गहराई में पाई जाती हैं। जैसे दोस्तों मनुष्य का पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है। यह मुख्य मुँह से स्टार्ट हो जाता है। जब आप खाना खाते हैं तभी आपका पाचन जो क्रिया का कार्य है वो आरंभ हो जाता है, मुँह के अंदर लारें बनती हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दोनों। जैसे सिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त, और धमनियों द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन ये लगभग पूछे जाते हैं और आपको याद रहें तो बहुत अच्छा होगा, ये अलग अलग एग्जाम में आते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, B और C, ये बहुत जो कि जल के अंदर घुल जाते हैं। दोस्तों, सीरीज का पहली वीडियो है, आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।